हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स में थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप से रिलेटेड सारी थ्योरी बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प हो सके आने वाले टाइम के लिए, जब आप लोग मेकअप करना स्टार्ट करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेकअप करना आता भी है, बट उनके पास थ्योरी कम, नोट्स वगैरह कम है, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। वो लोग नोट्स बना सकते हैं अपने, ताकि आने वाले टाइम पर वो लोग भी अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग ये वीडियोस आपको दें बनाकर, जब भी मैं बोल रही हूँ, उस समय आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, ताकि आप सारे नोट्स बना सकें। आपको बार बार फिर मेरे से मैसेज करके पूछना ना पड़े कि मैम ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि सब चीज़ बहुत क्लियरली आप लोगों को बता रहे हैं, बस आपको लिखना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप लोग जानेंगे मेकअप के यूज़ में आने वाले पाउडर्स के बारे में, कि ये जो पाउडर्स होते हैं हमारे किस काम आते हैं। दो तरह के मेन पाउडर हमारे यूज़ में आते हैं, जो कि है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और एक है बनाना पाउडर। तो ये दोनों तरह के पाउडर हमें रखने पड़ेंगे, किस काम में आएंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप ऐसे लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसल्यूसेंट पाउडर एंड बनाना पाउडर। अब लिखना करेंगे आप लोग शुरू पॉइंट्स में, जैसे कि नंबर एक आप लोग लिखेंगे, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर कलरलेस होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि इसमें कोई कलर नहीं होता ट्रांसल्यूसेंट पाउडर में, जबकि बनाना पाउडर में येलो टिंट होता है। हल्का सा आपको येलो येलो फील होगा जो बनाना पाउडर होगा, और जो आपका ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होगा वो कलरलेस होगा। दोनों पाउडर का काम क्या है, हमारे फाउंडेशन और कंसीलिंग करे गए काम को फिक्स करना। दोनों का ही काम ये है कि हमारा जो फेस के ऊपर बेस बना है उसको फिक्स करने का काम करते हैं दोनों ही पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी और बनाना पाउडर भी। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को किस स्किन टोन पे लगाना है, फेयर टू मीडियम पर। अगर आपके पास फेयर स्किन का क्लाइंट आता है, फेयर टू मीडियम स्किन का, तो आप लोग यूज़ करेंगे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का, जो कि कलरलेस होगा। और इसी के साथ अगर आपके पास आता है मीडियम टू डीप स्किन का क्लाइंट, जिनकी डार्क स्किन टोन होती है, उसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे येलो पाउडर का, जो कि बनाना पाउडर होता है। तो समझ आया आप लोगों को कि फेयर स्किन, फेयर टू मीडियम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का, लेकिन इसके साथ ही अगर हमारे पास मीडियम टू डीप स्किन आ जाती है, डार्क स्किन टोन आ जाता है, तब हम लोग को बनाना पाउडर का ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग डीप स्किन टोन पर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगा देंगे तो वो एक वाइट कास्ट दे देगा। जब आपकी फ़ोटोज़ आएंगी ना आपके पास, उसमें सफ़ेद सफ़ेद आपको फेस पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कलरलेस है। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा येलोनेस देने की फेस पे, डीप कलर है आप लोगों का, इसलिए आप लोगों को कौन सा कलर यूज़ करना है, इसके लिए आपको करना है बनाना पाउडर यूज़। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि किस किस स्किन टोन के ऊपर कौन कौन सा पाउडर यूज़ होता है। तो दो तरह के मेन पाउडर हम लोग अब परचेज कर लेंगे, एक लेंगे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और एक लेंगे हम लोग बनाना पाउडर। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमारे काम आते हैं जो पाउडर होते हैं, जैसे कि ट्रांसल्यूसेंट पाउडर हमारे किस स्किन टोन पर जाता है, क्या काम होता है इसका। और इस तरीके से हमने जाना बनाना पाउडर क्या है, जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं बनाना पाउडर लेना है, तो क्या है, क्या उसका रीज़न है यूज़ करने का, ये सब आपको पता लग गया किस स्किन टोन पर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसल्यूसेंट पाउडर एंड बनाना पाउडर कम्प्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सहगल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।